स्कूलों की अग्रणी के 12 चयन में से एक ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल ने पहली बार अपने इंटर स्कूल स्पोर्ट्स फेस्ट यूफोरिया समर एडिशन 2024 सफलतापूर्वक शुरू किया है। इसमें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के युवा एथलीटों की असाधारण प्रतिभा एवं खेल भावना की प्रशंसा की गई। 17 मई से शुरू होकर 19 मई 2024 तक चलने वाले इस फेस्ट के दौरान स्कूल के मैदानों में भरपूर रोमांच देखने को मिल रहा है, क्योंकि फेस्ट में भाग लेने वालों ने खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी ली। इस आयोजन में नेशनल बास्केटबॉल कोच और भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विक्रम गुर्जर, फिटनेस कोच अभिषेक वर्मा और टीन फैशन मॉडल ऋषिदा कटना ने शिरकत की। 3 दिन के आयोजन में खेलों का अद्भुत नजारा दिखा, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, स्केटिंग, शतरंज और ताइक्वांडो। इस आयोजन में एक स्पेशल डांस सेशन भी हुआ। यूफोरिया समर एडिशन 2024 में 20 प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों ने भाग लिया। इनमें जाने माने नाम जैसे कि शिव नाडा स्कूल, जे डी गोयन का सिग्नेचर स्कूल, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, यूरो इंटरनेशनल स्कूल आदि शामिल है। यूफोरिया वास्तव में एकता और खेल भावना का प्रतीक बन गया है। नेशनल बास्केटबॉल कोच और भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विक्रम गुर्जर इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उभरते खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण जानकारी और प्रोत्साहन दिया। अपने विचार रखते हुए विक्रम ने कहा कि यूफोरिया समर एडिशन 2024 में इन नन्हे खिलाड़ियों की प्रतिभा देखना वाकई प्रेरक है। इस तरह के आयोजन न सिर्फ शारीरिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देते हैं, बल्कि टीम के साथ काम करने, अनुशासन तथा खेल भावना जैसे महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाते हैं। ये 3 दिन का आयोजन स्पोर्ट्स फेस्ट है, जिसका नाम हमने यूफोरिया रखा है। इसमें सिलेक्शन कुछ नहीं है, दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म। हमने हमारे जितने नियर बाई स्कूल्स हैं सबको इन्वाइट किया है। ऑलमोस्ट 35 स्कूल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मेगा इवेंट, और हमारे अपने ऑर्किड्स के बच्चे भी हैं, जो हमारे ऑलमोस्ट 6 ब्रांचेस ऑफ ऑर्किड्स आर रनिंग इन गुड़गांव। तो हमारे अपने 6 ब्रांचेस प्लस 35 स्कूल्स, सो ऑलमोस्ट 40 स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। ग्रेड वन टू ग्रेड 8 इसमें हमने जो स्पोर्ट्स इसमें जो हमने स्पोर्ट्स रखे हैं, चेस है, टेबल टेनिस है, ताइक्वांडो है, एंड वी हैव वन डांस आल्सो दैट वी हैव केप्ट इज अ रिक्रिएशनल इवेंट, राइट? वी हैव बास्केटबॉल एंड वी हैव फुटबॉल, स्केटिंग एज वेल। बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत स्ट्रेस हैं। एक्चुअली दिस इज व्हाट, आजकल के बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम हो रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन द मोबाइल्स। उन्हें लगता है कि मोबाइल्स में टाइम स्पेंड करके दे विल बी ऑल ओके, बट दे आर फॉरगेटिंग बिहाइंड कि ये मोबाइल उनको स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि इससे रेडिएशंस तो कहीं ना कहीं जा रही है ना, आपकी बॉडी पे इफेक्ट तो कर ही रही है। सो दैट इज़ व्हाट, इन ऑर्डर टू प्रमोट कि फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या देती हैं आपको, वी हैव ऑर्गेनाइज दिस, एंड इट्स नॉट फॉर अस, फॉर आर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑर्गेनाइज फॉर ऑल अक्रॉस दी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट्स हैं वो, चाहे हमारे स्कूल के हों चाहे दूसरे स्कूल के हों, दे नीड टू लर्न कि स्पोर्ट्स उनको कैसे मेंटली और कैसे फिजिकली फिट बनाना। इनिशिएटिव लिया है कि एक तो इट्स नॉन प्रॉफिट एज सेड, सारा स्कूल ने पूरी अरेंजमेंट की है, एंड टू गेट चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन सच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आई थिंक इट्स ग्रेटली डन, बिकॉज अब यूथ में ना, लाइक टॉकिंग इवन माई टाइम, हमारे में अकेडमिक्स में अब कम फोकस है, अकेडमिक्स में भी फोकस है, ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट, बट और भी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना। एज मैम सेड कि ऑर्किड्स में 50-50 दिया जा रहा है, आई थिंक इट्स ग्रेट इनिशिएटिव दैट दे हैव टेकन ऑन दैट, बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सनली स्पीकिंग हैज टॉट यू लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे को स्पोर्ट्स ने मेरे लीडरशिप स्किल्स को, माई सोशल स्किल्स एज मैम हैज टॉक्ड अबाउट, माई डिसिप्लिन, इट ऑल कम्स टू अ स्टूडेंट एंड टू टीच देम सिंस फ्रॉम ग्राउंड रूट्स, आई थिंक इट्स नीडेड। इट डेफिनेटली इज, इट टीचेज यू लॉट ऑफ स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करोगे। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, येस, बट हाउ अदर कैटेगरीज ऑफ योर, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, एंड ये आगे जाके फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। सो ऑर्किड ये जो अपने बच्चों को पुश करें, ग्रेटली डन। मेरा नाम अभिषेक है जी। तो मेरे हिसाब से जो ऑर्किड ने इनिशिएटिव लिया है वो बहुत शानदार है, बच्चों के लिए फिटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद फिटनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे हिसाब से बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ इनक्रेज करना ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली हो रहे हैं, पूरे टाइम फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इन सब में बैठे रहते हैं, तो इंस्टेड
दे कम आउट, कोई स्पोर्ट खेलें, टीम मैनेजमेंट हो, लीडरशिप स्किल्स हो, ये सब हो इवेंचुअली बच्चों में, वो बहुत ज़रूरी है। कितना बदलाव देखा जाता है जब बच्चे इस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके की इवेंट्स में भागीदारी करते हैं? तो मेरे ख्याल से मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बिकॉज दे हैव बीन सो मच इनटू द होल फोन थिंग, पढ़ाई करते रहेंगे पूरे टाइम। मेरे हिसाब से दे शुड गेट आउट, थोड़ा खेलें, बाहर निकले, समझे कि आजकल में कैसे गेम्स खेले जाते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, और मतलब आई बिलीव इट्स दी वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव दे कैन डू फॉर द सेम। इन बच्चों से आप मिले, कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, स्पेशली टाइकोंडो देखा तो उनमें जो उनका इनकरेजमेंट है वो बहुत अच्छा था। मैं खुद मिक्स मार्शल आर्ट्स करता हूँ तो मैंने देखा कि लोग कितने इनकरेज हैं इस चीज़ को लेके, तो बस दिखता है कि यूथ इतना अच्छी जगह जा रहा है, उससे अच्छी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। NBCN न्यूज़ के लिए गुड़गांव से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।